राइट गाइस, स्वागत है आप सभी का पैल वर्ल्ड की शानदार दुनिया में। फिर उसे पकड़ने जाता भाई, हमने एलिजाबी को जिंदा भी छोड़ दिया और पकड़ भी नहीं पाए। डबल नुकसान हो गया भाई। छी भाई छी यार, दुख का माहौल भाई। अभी वहाँ पे जाना भी है सामान लेने यार। सारे जिंदा है अपने पोकेमोन। कितनी अच्छे तरीके से फाइट करी थी यार अंधेरे में यार। तो उसका फाइटिंग बेस कितना ज्यादा घटिया यार। छोटी सी टनल में कुछ कवर लेने के लिए भी जगह नहीं है। अंधेरा इतना ज्यादा, मैं हाथ में टॉर्च पकड़ू या क्रॉसबो पकड़ू? मारना इजी है वैसे उस फैल को। अपग्रेड करते हैं हम लोग, अपग्रेड करने वाले हैं फेल बैट को। वह कहाँ गया? इसमें अपग्रेड होगा भाई। फेल बैट बहुत अच्छा पोकेमोन है, और अगर मैं इसकी हेल्थ बढ़ा दूँ थोड़ा सा, ये एनहेंस कर देते हैं अटैक, इसका एनहेंस करते हैं अटैक और एनहेंस कर देते हैं भाई, क्योंकि अटैक फास्ट फास्ट करता है, तो अटैक जितना पावरफुल होगा उतना बढ़िया है। इसका भी हम लोग अटैक बढ़ा सकते हैं। मुसांडा का ऑलरेडी बहुत अच्छा, बट अभी और अच्छा हो जाएगा। मैमोरस्ट अपना बहुत ही बेकार है, स्लो बहुत है यार ये। बूशी से बढ़िया एक बार को एनुबिस था यार। मुझे तो ये भी अच्छा लग रहा है यार, इसको लेकर चलते एक बार एनुबिस की जगह। इसका डैमेज भी बहुत ज्यादा है। लेट्स गो। बहुत बातें शाते हो गई, अभी पहले चलकर हम लोग सोते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जा रहे हैं बॉस फाइट करने। आयरन इंगेट मिल चुका है, बहुत सारे स्फेयर भी बना लेने चाहिए भाई हमें। चलो भाई सारे लोग मिलकर बनाओ। गुड मॉर्निंग गाइस, अगला दिन हो चुका है और आज बारी है एलिजाबी को ना ढंग से पीटने की। पूरा खत्म करेंगे भाई। लेट्स गो। उस लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ जहाँ पर मैं लास्ट टाइम मरा था, उसके थोड़ा आसपास ही है। तो जा यार, ये लोग खाली बिली में से पंगे लेंगे, अपना बचाए गए। इस बार तो मेरे पोकेमोन बहुत अच्छा खासा इंप्रूव हो चुके हैं, पहले से तो और भी पावरफुल हैं। तो हम लोग इसे जल्दी पीटेंगे और बुरी तरह पीटा। मेरी सबसे बड़ी गलती बस पता है क्या थी? मुझे ये डर था कि कहीं ये पूरी ना मर जाए, इसके लिए मैंने मेमोरेस्ट को वापस बुला लिया, क्योंकि भाई वो ज्यादा पावरफुल है, पूरा मार देता है। और यार पिछली बार की तरह मैं इस बार भी अपने साथ कोई फायर आइटम लाना भूल गया। इधर अंधेरा बहुत ज्यादा होता है। ओए वेट, अपना सामान ऊपर है। मैं भूल गया था कि केव में जब हम मरते हैं तो हमारा सामान उसके एकदम एग्जैक्ट ऊपर मिलता है। चलो भाई, सारी चट्टाने चढ़ता हुआ मैं पहुंच चुका हूँ वापस। अरे यार लड़ाई हो जाती है यार, एक तो यहाँ से यहाँ पे पहुंचो। खैर यार कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम लोग अपने सामान पे पहुंच चुके हैं। मुझे लगा यहाँ पर नहीं है भाई, मेरी तो हालत खराब हो गई थी। अरे रॉबिन क्विल जाना पिटपुटा के जाएगा अभी। आजा आजा वापस, इनको देखेंगे बाद में, फालतू लोग हैं। हाँ नहीं तो जब देखो लड़ने पहुंच जाते हैं मतलब। एलिजाबी के पास जाने के लिए हमें यहाँ से थोड़ा बहुत आगे, मैं पैराशूट का यार वही भूल गया था कि अपने को स्टैमिना चाहिए होता है उसके लिए, फिर पैराशूट यूज कर सकते हैं। फिलहाल हाँ एक और चीज, टनल में जाने से पहले एक प्रिमिटिव वर्क बेंच बना लेते हैं यहाँ पे। अंधेरे से बचने के लिए बस मुझे एक टॉर्च बनानी है, तो 5-6 लकड़ी चाहिए, ये ले लेंगे बस। और बहुत है बस बस। एलिजा भी इस बार हमसे बहुत ज्यादा बुरी तरह मरने वाली है। डन भाई, ये हमें मिल चुका है अपने पास 7 गीगास। बहुत कुछ है भाई, बहुत सारी पोकेमोन बोल है। इसको ऐसे तोड़ देते हैं, बढ़िया। लेट्स गो, मामला सारा रेडी है। हम लोग दोबारा से जा रहे हैं इस केव में जहाँ पर लास्ट टाइम गए थे तो एलिजा भी नहीं मारा था, बट इस बारी बिल्कुल नहीं। फालतू की चीज़ें, बेसबॉल बैट पर ठीक है, थोड़ी बहुत एचपी कम करने के लिए वो भी काम आता है। बस बहुत है, तो ये बनाते हैं पहले। एंड इस पे से मुझे बनानी है टॉर्च। चलो डन। देखो यार अब ये वाली जो बॉस पोकेमोन फाइट है ना, मैं बहुत गुस्से में करने वाला हूँ। लास्ट टाइम जिस तरीके से मैं मरा था ना, वो गुस्सा मुझे आज सारा उतारना है। जा भाई फेल बैट, मार इनको। पहले मुझे इसके छिट्टू पिट्टू खत्म करने हैं, जो कि पिछली बार जिन्होंने मेमोरस अपना पहले से भी और ज्यादा पावरफुल हो चुका है, बट वो लोग यार फिर भी मार रहे हैं। अरे अंदर आ गई वो। तो सारे के सारे पोकेमोन मर चुके हैं, अब बस बची है ये एलिजा भी। इसको मारने के लिए हम लोग अपने पोकेमोन को अंदर फेंकते हैं। मैं आगे खड़े हो जाता हूँ, इधर अपने पोकेमोन की एचपी देखूंगा, जब कम होगी तो आऊंगा बुलाऊंगा। भाई देखो जिस तरीके से मैं फाइट कर रहा हूँ ना, मुझे लगता है कि हम लोग इसे इस बार मार देंगे, बट टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, क्योंकि ये अपने पोकेमोन की एचपी बहुत जल्दी कम कर देती है, और फिर मुझे उन्हें वापस बुलाना पड़ता ताकि वो मरे ना। तो अब की बार नहीं, बच गए। मैं स्ट्रैटेजी थोड़ी सी डिफरेंट रख रहा हूँ। अरे अरे नहीं भाई, वो बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से मार रही है। गाइस इस बार इसको मारने का तो मैंने एक तगड़ा ही तरीका ढूंढ लिया है। देखो अब मैं इसके एकदम सामने रहूंगा और अपना फेल बैट इसे लपेटते रहेगा। मैं तो अकेला इससे ही लड़ाई करवा रहा हूँ भाई, और इतनी कम एचपी मैंने इसकी कर दी है। खैर अभी शायद से थोड़ी देर में मुझे बुलाना पड़ सकता है। मार मार मार, ये करा एक अटैक, दूसरा, तीसरा, चौथा, बहुत सही। अरे बस अभी वापस आ जाए, क्योंकि ये मर जाएगा अगर बुलाया नहीं तो। ठीक है, अपने पास एक और पोकेमोन है, इसको भेजते हैं। गौरी रैट, मंकी जैसा दिखने वाला पोकेमोन चाहिए। हमने एक बार इसे फिर से मार डाला है, बट मैं समझ नहीं आ रहा भाई कितनी एचपी पे उसे पकड़ने जाऊँ। मेरे पास 7 स्फेयर हैं। देखो यार मुझे ना मेमोरस से डर लगता है भाई, ये पूरा ना अटैक कर, मतलब पूरा ना खत्म कर दे, तो जब उसकी 150 HP बचेगी ना, मैं तब जाऊंगा। ओ भाई दोनों ने एक दूसरे पे ऑलमोस्ट सेम ही अटैक करा था इस बार तो। मार मेमोरस, नाइस, 500 HP हो चुकी है। ओ ये जल गई, ओ लगा मेरे, मुझे लगी रहा था इस बार मारने आएगी पास से। नजर हटी, दुर्घटना घट जाती है भाई यहाँ। मेमोरस क्या कर रहा है मेरे भाई, मार सजाओ। फेल बैट तुम जाओ भाई, थोड़ा लड़ाई वड़ाई करके आओ, अंदर जाओ भाई। लेट्स गो। मैंने अपना एक छोटू फेवरेट पोकेमोन भेजा है, जो कि डैमेज अच्छा खासा करता है। 179 उसकी एचपी है, मार दे। अरे बढ़िया बढ़िया, थोड़ा सा और मार फेल बैट, थोड़ा सा ही और मारियो बस 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 बस, वापस आ जा। किसको भेजो जो बिल्कुल जरा सा डैमेज करेगा? गोरी रैट को भेजते हैं, 100 डैमेज तो ये नहीं कर पाएगा। नाइस, छोटा छोटा डैमेज कर रहा भाई, 8-8, 10-10 वाला। चल जा। अभी हम लोग पकड़ने वाले हैं भाई एलिजाबी की बॉस पोकेमोन को, बस थोड़ा बहुत और डैमेज करना है। 108 उसकी एचपी हमने कर दी है,
बढ़िया 91 हो गई है, 50 कर दे भाई, मरी हो मत तू, रुक जा। ये क्या था, क्या मुझे अपनी वाली बॉल यूज करनी चाहिए? अरे क्या हो रहा है भाई, सारी बॉल्स खत्म हो गई, मेरी तो एचपी भी खत्म हो गई, सही बताऊं तो। आ जा प्लीज आ जा भाई, 56 एचपी पे तो कोई भी आ जाता है। कहाँ चढ़ के बैठी है? वेरी गुड, किस्मत फूटी हुई है भाई, सारी पहल खत्म हो गई, सारी पहल ही खत्म होगी भाई, वेरी गुड, सारी पहल फिर खत्म होगी भाई, इसमें तो आ ही नहीं सकती। कहाँ गई भाई, पता नहीं क्या हो रहा है। अरे यार नहीं वर्क करेगी वाली स्फीयर एलिजाबेथ पे, क्योंकि एलिजाबेथ भाई खतरनाक पोकेमोन है ना, मैं मर गया बस, सब मैं मर गया, मुझे खेलना ही नहीं है भाई, इससे बढ़िया तो मैं इसको ही मार देता आज, बस भाई मेरे को नहीं खेलना।